बेटा जी, जो आपने शोल्डर्स की एक्सरसाइज पूछी हैं और बाजुओं की पूछी हैं, वो तीन चार ये देखें। सबसे पहली बात तो ये, अपने हाथ आप रखें कमर के ऊपर, शोल्डर्स को पीछे से घुमा के आगे लाएं 10 टाइम, 1 2 इस तरह पूरा घुमा के राउंड साइज में, फिर से उल्टा वापस लेके जाएं इस तरीके से वापस सामने को, फिर उल्टा 10 टाइम फ्रंट 10 टाइम बैक। ये होगी इसकी शोल्डर्स की एक्सरसाइजेज। उसके बाद आप बाजुओं को देखें कि दोनों बाजू बिल्कुल स्ट्रेट करके, ये भी शोल्डर्स के साथ पूरा बाजू को पूरा जितना हो सकता है घुमाएं ऐसे पीछे की तरफ, फिर इन बाजुओं को आप आगे की तरफ घुमाएंगे यूं करके 10 टाइम्स ये आ जाएगा। इसके साथ साथ कमर को रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल टांगे बिल्कुल सीधी रहेंगी, घुटने बैंड नहीं होंगे, बिल्कुल यूं करके इसे कमर को 3 4 5 दफा जो है ना इसे भी घुमाएं। ये शोल्डर्स की, बाजुओं की और कमर को रिलैक्स करने के लिए एक एक्सीलेंट एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद आ जाए गर्दन के ऊपर, यहां पर हाथ रखो बेटे आप, पहले राइट टू लेफ्ट 1 2 आहिस्ता तेज करते जाए, पहले थोड़ा खींचे पीछे ऐसे गर्दन का जोर लगाए, फिर 2 3 4 5 जब 5 6 हो गए झटके से 6 7 8 9 10 इस तरह 10 12 दफा करेंगे राइट टू लेफ्ट, फिर अप एंड डाउन, अप पीछे तक सर लगेगा गर्दन के साथ, फिर थोड़ी नीचे यहां पे लगेगी 1 2 करके 10 टाइम्स ये, फिर ये कान आपका लगेगा शोल्डर पे, ये कान लगेगा इस शोल्डर पे यूं करके, फिर उसके बाद 10 दफा ये 10 दफा ये, फिर सर्कल आप करेंगे, सर्कल ये है थोड़ी नीचे कान इधर पीछे से यूं करके यूं पूरा सर्कल चलेगा 5 6 दफा, फिर उल्टी साइड पे चलेगा 5 6 दफा सर्कल यूं करके चलेगा ये। उसके बाद बेटा जी अपने हाथों को सामने रखें और जिस तरह मुट्ठियां बंद करते हैं ना जोर से यूं मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी छोड़ो मुट्ठी बंद करो मुट्ठी छोड़ो, उसके बाद मुट्ठियों को बंद करो और हाथों को मूव करना शुरू करो, फिर से अपोजिट सिमट पे मूव करना शुरू करो हाथों को इस तरीके से करके, बाजुओं को खोल लो, सेम इधर को मूव करना शुरू करो, सेम इधर को मूव करना शुरू करो, उसके बाद मुट्ठी को बंद करो और इसे अंदर की तरफ टर्न करो, फिर से खोलो पीछे की तरफ हाथ को ले जाओ, फिर टर्न करो फिर से पीछे की तरफ ले जाओ, देन टर्न देन ये। ये चंद बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आपके शोल्डर्स के, नेक के मसल्स को, बाजुओं को, फिंगर्स को, जो मसल्स टाइप करके खराब हो जाती हैं हमारी, उन सबको रिलैक्स कर देगा। राइट, गुड लक।